आज की इस वीडियो में फीचर कंपैरिजन करने वाले हैं दो एक ही कैटेगरी की स्मार्ट वॉचेस के बीच। एक है रिसेंटली लॉन्च हुई बोल्ट की क्राउन आर प्रो और दूसरी है फायरबोल्ट की साइक्लोन जो कि 26th को लॉन्च होने वाली है। तो वही देखते हैं क्या ये दोनों स्मार्ट वॉचेस दिखने में ही एक जैसी हैं या फिर इन दोनों के फीचर्स में भी कुछ डिफरेंस है। तो भाई यदि आप इन दोनों वॉचेस में कंफ्यूज हो रहे हो, आपको स्मार्ट वॉच खरीदनी है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल सेम टू सेम हैं। जैसे कि ये दोनों स्मार्ट वॉचेस राउंडल शेप में आ जाती हैं, मेटल बिल्ड में आ जाती हैं। बटन सेटअप के बारे में बात करूं तो फायरबोल्ट साइक्लोन में 3 बटन सेटअप का सपोर्ट मिलेगा, वहीं क्राउन आर प्रो में आपको 2 बटन सेटअप का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें एक रोटेटिंग क्राउन बटन है, एक फ्लैट पुश वाला बटन है। बट साइक्लोन में आपको साइड में एक ऑरेंज कलर का बटन मिलेगा जो कि फंक्शनल है। बट भाई इन दोनों के डिजाइन में एक डिफरेंस है इनके स्ट्रैप, जहां फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको बबल सिलिकॉन स्ट्रैप ही देखने को मिलता है, वहीं क्राउन आर प्रो में आपको स्टेनलेस स्टील सिलिकॉन स्ट्रैप और साथ में एक डिफरेंट कैटेगरी स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा। देखो भाई मुझे नाम तो नहीं पता, यदि आपको उसका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफी डिफरेंट लगा बस मुझे। तो भाई ऑल ओवर अगर मैं बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली बात है बोल्ट क्राउन आर प्रो अपने स्ट्रैप ऑप्शंस की वजह से दिखने में काफी प्रीमियम दिखती है, बट उसका साइज मुझे काफी सही लगा। बट फिर भी ये दोनों स्मार्ट वॉचेस थिन रिस्ट वालों के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी यदि आपको फिर भी लेनी है तो आप क्राउन आर प्रो की तरफ जा सकते हो, बाकी यदि आपकी रिस्ट काफी अच्छी है तो आप दोनों स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा सकते हो। अब अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो जहां फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको 1.6 इंचेस की एक बड़ी एचडी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 400x400 हायर पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आ जाती है। और हां भाई एचडी डिस्प्ले होते हुए भी इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है जो कि एक नॉर्मल डिस्प्ले के साथ आना काफी बड़ी बात है। वहीं आपको क्राउन आर प्रो में 1.43 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ऑब्वियसली बात है भाई ऑलविजन फीचर के साथ मिलेगी आपको। इसका पिक्सलेशन भी काफी तगड़ा है, 466x466 हायर पिक्सलेशन के साथ ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी आपको। बाकी भाई इसमें आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, तो भाई इस स्मार्ट वॉच को सनलाइट में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं वॉच फेसेस के बारे में बात करूं तो फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलेगा, बट इसमें आपको एल्बम वॉच फेसेस, वीडियो वॉच फेसेस और हां डीपली कस्टमाइज वॉच फेस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बट वहीं क्राउन आर प्रो में आपको 150+ वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलेगा जो कि कस्टमाइजेबल है। तो भाई दोनों की अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली बात है क्राउन आर प्रो में एक एमोलेड डिस्प्ले है, बाकी जो फायरबोल्ट साइक्लोन है वो एक बड़ी डिस्प्ले है, एक एचडी डिस्प्ले है, एक अच्छे पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आती है। बाकी यदि आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाना है तो आप क्राउन आर प्रो की तरफ जा सकते हो। अब अगर मैं कॉलिंग के बारे में बात करूं तो फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको एक नॉर्मल ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, वहीं क्राउन आर प्रो में आपको एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है। और हां भाई इसमें वन क्लिक कनेक्टिविटी भी साथ में आपको मिलती है, तो ऑल ओवर आपकी जो कॉलिंग एक्सपीरियंस वो क्राउन आर प्रो के साथ बेटर रहने वाली है। दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है जो कि एक टैप पे ही एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों स्मार्ट वॉचेस iOS और Android के लिए बनी हैं। अब अगर मैं स्पोर्ट मोड के बारे में बात करूं तो फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको 85+ स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलेगा, वहीं क्राउन आर प्रो में आपको 120+ स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलेगा। देखो भाई नंबर्स कुछ मायने नहीं रखते हैं, इन दोनों ही में आपकी डीडीएक्टिविटी सारी कवर हो जाएंगी। आप मुझे एक बात बताइए, आप स्मार्ट वॉच के स्पोर्ट मोड को कितना यूज करते हो? क्योंकि मैं किसी भी स्मार्ट वॉच के स्पोर्ट मोड को ज्यादा यूज नहीं करता, कभी साइकिलिंग कर ली, रनिंग कर ली या फिर कभी कभी जिम चले गए तो यूज हो जाता है, बाकी हाँ स्टेप काउंट के लिए बेटर है। अब अगर मैं हेल्थ रिलेटेड सेंसर के बारे में बात करूं तो दोनों ही में आपको सारे के सारे हेल्थ रिलेटेड सेंसर्स मिल जाएंगे, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह आपको सारे मिलने वाले हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में बड़े आराम से रिसीव हो जाएंगे। आपको ऐप के थ्रू इनको इनेबल या डिसेबल करके स्पेसिफिक उन्हीं नोटिफिकेशन को अपने स्मार्ट वॉच में ले सकते हो। और हाँ भाई जितने भी स्मार्ट वॉचेस में फीचर्स आते हैं वो ही आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मिलने वाले हैं। बट हाँ भाई फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन और हाँ गेमिंग का फीचर भी मिल जाएगा। बाकी अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करूं तो फायरबोल्ट साइक्लोन में कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि क्राउन आर प्रो में नहीं मिलते हैं, जैसे कि NFC सपोर्ट। बट ये NFC सपोर्ट जो है डोर अनलॉक या लॉक में काम आएगा, यदि आपके ऑफिस या घर के डोर लॉक में NFC सपोर्ट है तो आप फायरबोल्ट साइक्लोन के थ्रू उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हो। भाई मैं बात कर लूं उसमें मोशन कंट्रोलर भी दिया है, तो आप यदि वर्चुअल वर्कआउट करते हो या फिर मोशन सेंसर गेमिंग करते हो तो आपके लिए ये काम की चीज है। और हाँ भाई इसमें आपको GPS रूट ट्रैकिंग का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली बात है ऐप के थ्रू वर्क करेगा आपके फोन के साथ कनेक्ट करके। और हाँ इसमें आपको ऑफलाइन पेपल पेमेंट रिसीविंग का ऑप्शन मिलता है। बट ये सारे फीचर कितने काम के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे हिसाब से 80-90% लोगों के लिए ये फीचर कुछ काम के नहीं है। बाकी भाई फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको डार्क मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि ब्राइटनेस को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि डिस्प्ले की जो ब्लू लाइट
लाइट्स निकलते हैं उससे आपके आईज को हार्म ना हो। अब मैं बात कर लूं वाटर प्रोटेक्शन की, तो फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको IP68 का वाटर प्रोटेक्शन मिल जाता है, वहीं क्राउन आर प्रो में आपको IP67 का वाटर प्रोटेक्शन मिलता है। बट हाँ, बोल्ट ये क्लेम करता है कि इसको आप 1 मीटर तक 30 मिनट तक रख सकते हो पानी में। और हाँ, वही क्राउन आर प्रो में आपको 5 UI स्टाइल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चेंज करके स्मार्ट वॉच के जो चलाने के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो। ये UI का फीचर साइक्लोन में है कि नहीं आपको लॉन्च के बाद पता लगेगा। अब भाई अगर मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, तो फायरबोल्ट साइक्लोन में आपको 8 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, और कॉलिंग के साथ फायरबोल्ट क्लेम करती है 5 days का, बट मेरे को लगता है कि 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ निकल जाना चाहिए आराम से। वहीं क्राउन आर प्रो में आपको एक नॉर्मल बैटरी लाइफ मिलता है 7 days का समझ लो, जो कि कॉलिंग में 1 से 2 दिन का बड़े आराम से निकाल देगा। तो भाई ये तो होगा इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के फीचर। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं, तो बोल्ट की क्राउन आर प्रो स्टैम 3500 रुपए की चल रही है, जो कि भाई इसके फीचर्स को, इसकी डिस्प्ले को, इसकी बिल्ड क्वालिटी को और इसके लुक्स को जस्टिफिकेशन बड़े आराम से दे देती है। बट वही मैं बात कर लूं, फायरबोल्ट साइक्लोन July 26 को 2500 रुपए में लॉन्च होने वाली है। तो भाई ऑल ओवर अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सी बाय करनी चाहिए, तो भाई यदि आपका बजट 1000 रुपए आप बढ़ा सकते हो, तो आपको बोल्ट की क्राउन आर प्रो ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है, उसका जो बिल्ड है, उसका जो स्टेनलेस स्टील का जो स्ट्रैप है उसके साथ, वो काफी लग्जरी दिखती है। बाकी भाई इसमें उसमें आपको एक बेटर डिस्प्ले मिल रही है, आपको एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक काफी इनफ फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। वहीं मैं फायरबोल्ट साइक्लोन के बारे में बात करूं, तो एक नॉर्मल सी दिखने वाली स्मार्ट वॉच है, जिसमें बेमतलब के गिमिकी फीचर्स डाल दिए हैं, जो कि मुझे नहीं लगते कि 90% लोगों के कुछ काम भी आने वाले हैं। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है बोल्ट की क्राउन आर प्रो। बाकी साइक्लोन भी अच्छी है यदि इसकी प्राइस को 2000 रुपए रख दिया जाए तो। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ भाई, इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट या बाय कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी किसी और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।